जिंदगी में बहुत दुख है। हुआ क्या भाई, काहे दुख है बिट्टू के जिंदगी में? कि जान के दुख लेता है। इसको जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, इसको समझाया था पढ़ाई लिखाई करो, आई एस वजह बनो, लव वव का चक्कर छोड़ो, तभी तो प्यार के चक्कर में पढ़ा जाता है। अब भुगतो, अब पूछो ही नहीं से। तो ये तो काफ़ी अच्छा नौकरी कर रहा था, उसके बाद फिर से एडमिशन पढ़ाई करने समझ में नहीं आ रहा है। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और हम आए हुए हैं आज बिहटा के सबसे फेमस कॉलेज जो है हमारा कॉलेज जीजे कॉलेज, और यहाँ पे भी हम ही ग्रेजुएशन पास आउट हुए थे। और चलिए आज हम आपको जीजे कॉलेज के बारे में बताते हैं और दिखाते हैं कि जीजे कॉलेज में क्या क्या है। और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है जो आपको बताना है, और यहाँ पे काफ़ी बिहटा का इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है, और यहाँ के मेरे गांव के बिशनपुरा के और बिहटा के काफ़ी लड़के लड़कियाँ यहाँ पे आके पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग बताते हैं जीजे कॉलेज के बारे में, और जीजे कॉलेज में क्या क्या हो रहा है, और जीजे कॉलेज में क्या अभी हो रहा है, एडमिशन चालू है एडमिशन चालू नहीं है, ये सारा चीज़ आपको अभी हम बताएँगे। तो चलिए मिल चुके हैं जीजे कॉलेज के पास, और यही है हमारा जीजे कॉलेज। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और जीजे कॉलेज का व्यू देखते हैं, जीजे कॉलेज में अभी क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा है। ये हम लोग गेट से घुस गए हैं, और जीजे कॉलेज का यही व्यू है, ये ग्राउंड है। जैसे जीजे कॉलेज से अंदर एंट्री लीजिएगा तो दाहिने साइड में जीजे कॉलेज का ग्राउंड है, और इधर काम अभी चल रहा है, गार्ड रूम बन रहा है, जो अभी जीजे कॉलेज में हमारा काफ़ी डेवलप हो चुका है। जीजे कॉलेज पहले तो ये सब चीज़ नहीं था यहाँ पर, बट बहुत ज़्यादा ही डेवलप हो चुका है। और गेट से बाएं साइड में इधर कैंटीन है, कैंटीन में खाने पीने का सारा चीज़ का व्यवस्था है, और शायद नॉनवेज है या नहीं ये मुझे नहीं पता, बट यहाँ सारा कुछ खाने का व्यवस्था है। और इस साथ हम लोग आगे चल रहे हैं और देखते हैं जीजे कॉलेज का व्यू, काफ़ी अच्छा है, हरा भरा भी है जीजे कॉलेज। जीजे कॉलेज का यही है मेन गेट जो हम लोग आए हुए हैं। यहीं पर हमारा ऑफिस, शायद ग्रेजुएशन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का भी एडमिशन चालू है, और यहाँ पे लड़के लड़कियाँ आए हुए हैं जीजे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो चलिए हम लोग कुछ लड़के से पूछते हैं एडमिशन के बारे में और जानकारियाँ लेते हैं। अभी तो लगता है बहुत सा ऐसा चीज़ है जो बंद है, और भी चीज़ आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं और देखते हैं लड़के लोग से कुछ इंटरव्यू लेकर, यहाँ पे किसके लिए आए हैं, क्या काम से आए हुए हैं और क्यों आए हुए हैं। भैया आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? अभी यहाँ पे जीजे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आए हुए हैं। तो मतलब अभी यहाँ किस चीज़ का एडमिशन अभी चल रहा है? पार्ट वन पार्ट टू का चल रहा है। तो आपका अभी कौन सा, क्या चीज़ आप एडमिशन लेने के लिए आए हुए हैं? पार्ट वन का। तो यहाँ पे तो अभी आज शायद बंद है कॉलेज, बट अभी यहाँ पे कब कब ऑफिस खुला हो, कब कब रहता है? बंद नहीं है, अभी तो खुला है, अब बंद होने का टाइम है इसलिए। तो मतलब एडमिशन है इसीलिए अभी खाली है ये पूरा कॉलेज ना? अब टाइम ऑफ होने का है इसलिए खाली है। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए आपको हम और भी जीजे कॉलेज का दिखाते हैं। ये हमारा ग्राउंड है, और यहाँ पे असेंबली हम लोग का हुआ है, पहले भी हो चुका है, और इधर ही हम लोग का असेंबली होता था पहले, यहाँ ये स्टेज बनता था, और प्रोग्राम कभी भी होता था तो हम लोग का यहीं पे इसी चबूतरा के पास होता था। और यही मेरा व्यू है जीजे कॉलेज का, काफ़ी हरा भरा है। उस साइड भी ऑफिस है, और हर तरह का अलग अलग मतलब ऑफिस बनाया गया है। म्यूजियम ऑफिस अलग है, साइंस ऑफिस अलग है, सारा चीज़ अलग अलग आया हुआ है। तो और भी चीज़ दिखाते हैं, वहाँ पे जो आपको नेट दिखाई दे रहा है वहाँ पे जीजे कॉलेज में, वहाँ पे क्रिकेट का प्रैक्टिस होता है, काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस होता है, सारा चीज़ प्रैक्टिस हो रहा है वहाँ पे। अरे ये क्या, बिट्टू और शुभम यहाँ पे है? चलिए आज उनसे फिर से मैं बात करता हूँ और दिखाता हूँ आप लोग को यहाँ पे ये लोग कर क्या रहे हैं। गाड़ी स्टार्ट कर, चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। अरे बिट्टू और शुभम तुम लोग यहाँ पे फिर से भाई यहाँ पे आए हुआ है। भगवान यहाँ पर भी आ गया भाई ढूंढते। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आया हुआ क्या है भाई? हम तो आए हुए थे अपना ब्लॉगिंग करने के लिए, बट तुम लोग जीजे कॉलेज में आया हुआ है, फिर से हमको मिल गया जी बिट्टू भाई। लग रहा है भाई तू हमारा पीछा कर रहा है। नहीं भाई, हम पीछा नहीं देगा ठीक से। क्यों भाई ऐसा काहे बोल रहा है भाई? तो गांव में पहुंच जाता है, यहां पर जीजे कॉलेज में आए हुए एडमिशन के लिए पता करने, यहां पर भी तू पहुंच गया। तो क्यों भाई एडमिशन तो नहीं देखा जा रहा कब सक्सेस करे भाई? बिल्कुल भाई, हम काहे नहीं चाहेंगे तुम सक्सेस करो भाई, बट तुम तो भाई कमाने लाइन में चला गया था, तो एडमिशन क्यों भाई हम ये नहीं समझा था। तो आखिर पीछे कहानी है। तो भाई यहाँ पे तुम आया क्यों है भाई, और इस तरह क्यों अपना फेस क्यों बनाए हुए है भाई, कुछ बताओ हमको ये भाई को। हमको जीवन में एक वो साथी है, वो है शुभम, इसको देखो भाई को, यही साथी है। कल भी बोले थे और आज भी बोल रहे हैं ये बात को। तो क्या हुआ क्या भाई? कल बैठे हुए थे भाई, हमको समझाया कि पढ़ाई उढ़ाई कर रहा है भाई, हम बोले कि नहीं भाई पढ़ाई भाई तभी छोड़ लेते, काहे छोड़े, इसको रीजन कहानी बताए। तो ऐसा क्या हुआ भाई? शुभम तुम भी साथ में आता हो ना, बताओगे? शुभम आओ
क्योंकि साथ में आओ भाई, बिना साथ में आए हुए मजा नहीं आएगा ना। तो बताओ भाई तुम लोग भी ऐसा क्या हुआ क्या आखिर में, तुम लोग बैठा हुआ है साथ में, बिटू को दुख क्या हुआ है, दुख के बारे में बताओ क्या आखिर में कॉलेज आया क्यों। तुमको बताए थे कि 17 में हम इंटर पास किए। हाँ हाँ, मैं उधर मेरे साथ किया था भाई। लेकिन उसके बाद हम ग्रेजुएशन में एडमिशन जीजे कॉलेज में लिए। अच्छा। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अच्छा। दोनों कोई पढ़ने आते थे, आराम से हंसी मजाक और मस्ती करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन हुआ ऐसा भाई कि साल भर के बाद उसका ब्याह। ऐसा हो गया भाई। हाँ, गर्लफ्रेंड का शादी हो गया भाई। हाँ, ब्याह हो गया भाई। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? क्या हो गया, इसके वजह से थोड़ा सा चल गया, सच्चा प्यार था, पहला प्यार था, डिप्रेशन में चले गए, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ छोड़ छाड़ दी। बहुत दुख हुआ इसके साथ, बेचारे को कितना हम समझाते हैं, समझते हैं। तुम लोग बताओ आखिर में क्या हुआ, एडमिशन लेने का रीजन क्या है? हम अब कुछ नहीं बोलेंगे, जो पूछना है पूछ लो, समझना हम पे बीतता है, बताएगा मेरा भाई। तो हमसे पूछो ना भाई। ठीक है भाई, हम भी यहाँ प्रेजेंट है ना। हाँ हाँ बिल्कुल है। तो हुआ क्या ये बताओ भाई। गर्लफ्रेंड का शादी हो गया भाई। अच्छा अच्छा। ठीक, जब गर्लफ्रेंड मिलने के लिए बुलाई, मिलने गए, उसके साथ एक बच्चा था। अच्छा। और बच्चा वो हमको पापा नहीं बोल के हमको साला कह के मामा बोल दिया। मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उसका शादी हो गया। हाँ। उसका बेटा भी हो गया। हाँ। बट थी तुम्हारी गर्लफ्रेंड। हाँ। और उसका बच्चा पहचाना नहीं और तुम्हारे तुमको मामा बोल दिया। मामा बोल दिया। अब इसी टेंशन में हम आ गए कि फिर से पढ़ाई करेंगे और उन मुकामों तक पहुँचेंगे ना भाई। हाँ। जहाँ से IAS YAS बने और देश के कुछ काम आए। म्यूजिक भाई, तो बात तुम ऐसे भी जाए, बिहार का तो खैर सुबह इतिहास बन चुका है कि धोखा मिले तो IAS बनो, आज जब IAS बनो तो धोखा खाओ, ये तो खैर इतिहास बन चुका है। तो चलो बिट्टू इस मुकाम पे पहुंचो, मेरा आपसे दुआ है बिट्टू। तो ऐसे सुबह इसका एडमिशन हो पाया कि नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। नहीं हो पाया बेचारा। इसके टीचर भी बोला कि तुम लेट हो गए बाबू। अब क्या हुआ सुबह, तुम ही बताओ। इसका दुख में आखिर में दुख पे दुख, दुख पे दुख, ऐसा क्या हो जा रहा है इसके साथ बिट्टू के साथ? कुंडली दोष है। हमको लग रहा है कि वही कल मुंजिया हमको शराब दी है। तो पूजा पाठ नहीं करवाया भाई? झाड़ फूक का करवाए भाई? हमको लग रहा है कि हमारे गर्लफ्रेंड हमको शराब पे चली गई है कि जिंदगी में जहाँ रहो वहाँ से तुम फंसते जाओ, कभी आगे मत बढ़ो। जब आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं कुछ ना कुछ रीजने आ जा रहे हैं। यहाँ पर टीचर ये बोल रहा है बाबू तुम बहुत लेट हो गए, पिछला रोटी खा के आए होगा। तो मतलब एडमिशन का है नहीं हुआ तुम्हारा? एडमिशन नहीं हुआ? नहीं होगा। हम बोला कि अब अगला साल आना। अब क्या अगला साल है, ये साल आधा जवानी पार हो गया, अब लड़ा शादी ब्याह भी होगा कि नहीं होगा भाई, उसमें भी डाउट है। ऐसा हो गया भाई? तो तुम तो ऐसे जॉब कर रहे हो, वही तो छोड़ ही चुका है और तुम्हारे माथा पे तो सर कर्जा भी है ना बिट्टू भाई? कर्ज के बारे में मत बोलो भाई, उसको याद मत दिया। तो गाइज, हम बिट्टू का जो दुख है और दुख के बारे में हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोग हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां जाके देखिएगा बिट्टू के साथ क्या दुख है और ये लोन लेकर कितना कर्ज में है, ये आपको हम वहीं पे बताएंगे, यहां पे नहीं बता पाएंगे। यहां पे अभी हम फिलहाल बिट्टू का दुख जानने आए हैं और बिट्टू का एडमिशन क्यों नहीं हुआ हम इसके बारे में जानेंगे भाई। तो बताओ भाई, सबसे बड़ा बात है पढ़ाई फिर से स्टार्ट की, पता है क्या है, क्या फिर से कोई गर्लफ्रेंड पटे और जिंदगी फिर से सुखाल चले भाई। तो इस बार भाई पटाना तो शादी जरूर करना। शादी अभी पैसा पैसा देने ले, पैसा वाली से पटाएंगे। पैसा वाली से पटाएगा? पैसा वाला। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो चलो भाई, तब तक ठीक है, करो तो पर्व, चढ़ो तो पहाड़ पे चढ़ो आ नहीं तो मछली भी मत खाओ। हाँ हाँ, वही काम करना। मेरा गुरु था, मेरा गुरु था रूप नारायण सर। अच्छा। तो हमेशा बोलते थे गिरना है तो झरने की तरह गिरो, अच्छा नाले की तरह मत बहो, तो फिर देख के भी कोई घिना आ जाए। तुम तो हमको मौका मिला तो तुम शायरे भी बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, चलो अच्छा बात। ठीक है बिट्टू भाई, हम चलते हैं, तुम लोग अपना एडमिशन करवाओ और तुम लोग अधिक करो। तू हमेशा के लिए जा।
नहीं नहीं भाई ऐसा बात नहीं है, फिर दुआ रहेगा तो जरूर मिलेंगे। ठीक है भाई, ठीक, धन्यवाद भाई, हम चलते हैं। तो गाइज हेलो, आए तो हुए थे यहाँ पे हम कॉलेज में अपना आपको कॉलेज दिखाने के लिए और अपना बचपन के बारे में बताने के लिए, बट पता नहीं क्यों बिट्टू और शुभम से मेरा क्या रिश्ता है कि वो लोग फिर से मिल गया और हम उन लोग अपना एडमिशन के बारे में आए थे बताने के लिए गाइज, बट हमको समझ में नहीं आया था दोस्तों कि वो लोग क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा था। तो आप लोगों को सारा सच्चाई बताया और आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गाइज। और इसी के साथ हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बिट्टू का दुख के बारे में अगर आप लोग नहीं देखे होंगे वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगा और आप लोग बिट्टू का दुख भी देख लीजिएगा कि लोन लेने के बाद बिट्टू का क्या हाल हुआ था। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए गाइज इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।